आप देखो इधर फर्स्ट क्वेश्चन में टू टर्म्स है x प्लस वन, लेकिन जब हमने लास्ट डे ही क्वेश्चन किया था तो हमने मोनोमियल से डिवाइड किया था, लेकिन वो क्या है बाइनोमियल। तो जब आप x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे x क्यूब, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, साइन चेंज ये आगे आ रहा है। बात समझ आई? जब हमने उस दिन क्वेश्चन किए थे वो मोनोमियल के थे, वो सिंपल होते हैं, सिंगल सिंगल टर्म लेते हैं। बाइनोमियल के केस में डबल टर्म है तो वहां डबल टर्म आए। करो स्टार्ट। अभी कहाँ लिख रहे हो ये? सिंगल टर्म से करेंगे। x into x, x square minus one into plus minus x sine change plus x plus one cancel। अब करो next। अभी भी इसमें क्या मिस्टेक है? इस साइड में इसमें क्या मिस्टेक है? ये कितनी टर्म्स है लेकिन यहाँ इसने कितनी लिखी है? कितनी आनी चाहिए थी? इसने x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया लेकिन माइनस वन को इससे नहीं किया। क्या आएगा? माइनस x। एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा। प्लस माइनस कैंसिल। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x
स्क्वायर, ये प्लस का है तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस कर रही है साइन चेंज, जितनी टर्म नीचे आएगी उनका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज माइनस ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसका साइन चेंज होके माइनस हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर ऑर्डर में लिखेंगे, ये लार्जेस्ट है, ये टर्म पहले आएगी फिर वन आएगा, अब ये माइनस है, ये माइनस है, इसका मतलब आपको माइनस चाहिए, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, माइनस एक्स, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का साइन चेंज हो गया प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, वन को एक्स से करेंगे माइनस एक्स, मेरा एक्स वाली टर्म नहीं है, साइन चेंज करके आ गया प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ पे आ गया प्लस एक्स प्लस वन, अब ये टर्म आप देख रहे हो ये और ये सेम है, सेम है, किसे करेंगे वन से कर दिया प्लस का, ठीक है, एक्स को वन से किया एक्स, वन को वन से किया वन, साइन चेंज, ये प्लस का था, प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल, अब यहाँ देखो, अब ये वाला क्वेश्चन है, सारे ट्राई करो, अब आ जाएगा, करो जरा एक मिनट, ये गर्ल्स की आवाज ना है, किसी फील्ड बहुत है हमारे पास चेंज करने के लिए, उनके साथ बिठा देना, आंसर दिया नहीं हुआ, रिमाइंडर आ रहा है, ये यहां से देख के कॉपी मत करो, अपने आप करो, प्रैक्टिस के लिए दी है, क्योंकि ऑर्डर वाइज जब पहले एक्स क्यूब था यहाँ वन था, ये टू था, क्योंकि ऑर्डर वाइज था, अब इनमें से कौन सी टर्म बड़ी है, एक वन है और ये कौन पहले आएगा, वो पहले बाय डिवीजन स्टार्ट करो, आपने पहले रिमाइंडर थ्योरम से किया है, रिमाइंडर थ्योरम से नहीं डिवीजन से स्टार्ट करो, डिवीजन से, मैंने बोला भी है ना अभी, आप फर्स्ट क्वेश्चन का सिर्फ फर्स्ट पार्ट कर सकती हो, एग्जांपल नंबर सेवन कर सकती हो, बाकी फ्रैक्शन और फाइव में वो नहीं हो गया, ट्राई करना चाहो
सकते हो फ्रैक्शन वाला पार्ट, और अगर आप फ्रैक्शन वाला पार्ट डिवीजन में कर लेते हो तो समझ लेना आपको डिवीजन आ गया। एलसीएम लेके भी हो जाता है, टू एच प्लस वन आ जाएगा। स्टेप नंबर फोर कौन सा? रिधिमा काम नहीं कर रहे ना, उधर क्या देख रहे हो? सम लिया है करने के लिए। देखो 3x स्क्वायर, इधर थोड़ा सेंटर में आओ, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1, इन्होंने कर लिया। मैं ये सम कर सकते हैं, कर लूंगा साइड हो, दिखाओ क्या हुआ। माइनस 3x ये मैम देखी गए ना, बहुत जरूरी थी अभी। साइन चेंज प्लस माइनस, प्लस माइनस करो, माइनस साइन माइनस। ठीक है, ये लाइन सीधी लगाओ, ये हाफ ऑफ क्या है ये? चलो ठीक है करो। अब साइन क्या आएगा? हाँ, उसका प्लस का, इसका माइनस का, क्या आएगा? माइनस टू एक्स आगे। ठीक ये गर्ल्स की आवाज में माइनस एक्स के साइन साथ बताओ। हाँ करो करो, ठीक है। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें? ठीक है करो। इसका रिमाइंडर एग्जाम्पल नंबर 7 है। हाँ ऊपर वाला चरण लेते, ऊपर वाला
हाँ उसका बच्चा ठीक है करो क्या आएगा। हाँ ठीक है साइन चेंज साइन थोड़ा नीचे लगाया तो उनके ऊपर क्यों चढ़ाते जा रहे साइन ना स्क्रीन से समझ आई है। चलो एक और करो क्लीन करो इसे एक्स क्यूब प्लस वन डिवाइड बाय एक्स प्लस वन साइन क्यों नहीं बोलते माइनस एक्स है ना साइन पहले आएगा अभी डिवीजन के दो स्टेप पेंडिंग है अभी करते जाओ लाइन लगाओ पहले नीचे। हाँ चलो सेकंड टर्म लिखो क्या आएगी वन इंटू एक्स स्क्वायर वन एक्स स्क्वायर या प्लस एक्स स्क्वायर लिखो कहाँ आएगी यहाँ नहीं आएगी एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं तस्लीन एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है ऊपर कहाँ आएगी एक्स स्क्वायर जब कुछ साइड पे। हाँ साइन स्क्वायर लगाओ साइन चेंज। हाँ अब आगे क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में जसलीन ये क्या लिखा है आपने हाँ बिल्कुल ठीक चलो करो 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 ठीक है वेरी गुड मिस्टेक है साइन का ध्यान नहीं दिया आपने मैं
करो 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 देखो देखो x को किसे मल्टीप्लाई करके किया है ये बात बंद करो है उसने नहीं किया हाँ पीछे से बैक पर ये साइड से रिमाइंडर चेक करो क्या आ रहा है पता चल जाएगा उससे चेक करो ना मेरे ख्याल से 27/8 है अगर नहीं आ रहा इसका मतलब डिवीजन में प्रॉब्लम है ठीक है समझ आया कैसे हो गया तीर तुक चल आ जाने यार थर्ड रहने दो मेरे को भाई थर्ड क्वेश्चन का है साइन का क्यों नहीं ध्यान देते माइनस माइनस कौन लगाएगा फिर नंबर बोलते साइन बोलते माइनस माइनस दोबारा करो और एक्टिव हो के ऐसे बीमार की तरह नहीं जल्दी जल्दी करो हाँ जी बुक उठाओ लिखो x cube plus 1 मेरा लिखो x cube plus 1 divided by x plus 1 पर बेटर है देखो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप माइनस का साइन नजर आ रहा है नीचे लिखे चलो लाइन डालो
3x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 7x स्क्वायर आ जाए, ऐसे देखते हैं है? देखो इधर ऐसे करते हैं, 3x को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर माइनस 7x स्क्वायर आ जाए, तो ये वहां जाके क्या आ जाएगा, क्या आ गया माइनस 7 बाय 3, ठीक है ऐसे देखते हैं, तो इसको से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 7x स्क्वायर sin 3 कैंसिल, सेकंड टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस 49 बाय 3 sin चेंज करो प्लस करो एलसीएम लेके प्लस 7 प्लस 49 बाय 3 एलसीएम लेके और किसी की फोटो पेंडिंग है तो दे सकते हो, सबके पास मैथ्स की फोटो है क्यों चाहिए जब रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से लेस होती है तब, अभी एक और स्टेप आना है, चल 70 बाय 9